हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे किसी भी हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट कैसे लें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वीडियो से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आना होगा, जहाँ से आपको सर्च करना होगा ors.gov.in। तो दोस्तों, हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आ चुके हैं। यहाँ से हम सर्च करेंगे ors.gov.in। यहाँ हमें उसका लिंक भी मिल चुका है। यहाँ हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। यहाँ से बुक टेलीकम्युनिकेशन अपॉइंटमेंट, बुक अपॉइंटमेंट नाउ, लैब रिपोर्ट, ब्लड एबिलिटी एंड पेमेंट, यहाँ से आप कर सकते हैं। इस ऐप को COVID-19 को लेकर बनाया गया है ताकि लोग घर बैठे ही अपना हॉस्पिटल के किसी भी हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट ले सके और अच्छे से दिखा सके डॉक्टर को। यहाँ से आप देख सकते हैं कुल कितने लोग अपॉइंटमेंट ले चुके हैं। यह ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया है केजरीवाल सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, आइए यहाँ हम आपको बताते हैं कैसे बुक करें अपॉइंटमेंट। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर सर्च करेंगे, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जो आपको कैप्चा मिल रहा है उस कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। उस OTP को यहाँ हमें फिल करना है। तो हमारा OTP आ चुका है। इस OTP को हम यहाँ फिल कर लेते हैं। फिल कर प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, जहां से आप अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। आई हैव आधार, आपके पास आधार है तो आप आधार पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो आई डोंट हैव आधार, ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो यहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। और पेमेंट करना है तो पेमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ आई डोंट हैव आधार। तो दोस्तों, यहाँ इस तरह का इंटरफेस मिला। यहाँ से आप किसी भी स्टेट का हॉस्पिटल के अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारे स्टेट्स यहाँ दी गई हैं। सिर्फ यहाँ आपको बिहार नहीं मिलेगा, बाकी और भी स्टेट्स आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हम दिल्ली को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम दिल्ली को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम हॉस्पिटल को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, दिल्ली के कौन से हॉस्पिटल को। तो हम एम्स को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमें सेंटर सेलेक्ट करने की बात हो रही है, तो यहाँ से हम सेंटर भी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं। तो हमें मेडिसिन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे सेलेक्ट क्लिनिक पे भी मशीन मेडिसिन हो जाएगा। तो यहाँ प्रोड्यूस पे क्लिक करते हैं। प्रोड्यूस करने के बाद हमें यहाँ अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी डेट सेलेक्ट करना होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से हमें डेट सेलेक्ट करना है। तो अवेलेबल डेट यहाँ तीन ही दिखा रहे हैं, तो मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आपको अपना डेटा को फुलफिल करना है। तो दोस्तों, यहाँ से हम अपने फुली डेटा को फुलफिल करना शुरू करते हैं। यहाँ आप मिस्टर मिसेस जो भी हो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ अपना नाम लिखेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ अपना फुली डिटेल्स को फुलफिल कर लिया है। करने के बाद
आप इसे एक बार फिर से मिला लेंगे और कैप्चा को यहाँ फुलफिल कर लेंगे। करने के बाद प्रोड्यूस करेंगे, करने के बाद आपका अपॉइंटमेंट यहाँ फिक्स हो चुका है। तो आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा अपॉइंटमेंट हमें मिल चुका है, आप जैसा कि देख सकेंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ अपॉइंटमेंट मिल चुका है और अपॉइंटमेंट आईडी भी हमें मिल गया और हमें टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए भी। तो यहाँ से हम प्रिंट रिसिप्ट कर लेते हैं। यहाँ हमने 31/8/2020 का अपॉइंटमेंट लिया है, हमें यहाँ अपॉइंटमेंट आईडी भी मिल चुकी है। यहाँ से हम रिसिप्ट को प्रिंट कर लेते हैं। रिसिप्ट हमने प्रिंट कर ली है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी स्टेट के किसी भी हॉस्पिटल में अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।